नमस्कार, न्यूज सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज सुपर भारत आपके लिए लेकर आया है स्पेशल शो भारत के अनमोल रत्न, जिसमें हम आपको बता रहे हैं भारत के अनमोल रत्नों की दास्तां। भारत के अनमोल रत्न की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के बारे में। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया भारत के महान अभियंता एवं राजनयिक थे। उन्हें सन 1955 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया था। भारत में उनका जन्मदिन अभियंता दिवस के रूप में यानी कि इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया बहुत ही सौम्य विचारधारा वाले इंसान थे। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर, जो कि अब कर्नाटक में है, के मुदेनाहली नामक स्थान पर 15 सितंबर 1861 को हुआ था। बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे विश्वेश्वरैया का बाल्यकाल बहुत ही आर्थिक संकट में व्यतीत हुआ। उनके पिता वैद्य थे। वर्षों पहले उनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के मोक्षगुंडम से यहाँ पर आए और मैसूर में ही बस गए। विश्वेश्वरैया जब केवल 14 वर्ष के थे, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। क्या वे अपनी पढ़ाई जारी रखें, इस प्रश्न पर तब विचार विमर्श हुआ जब उन्होंने अपनी माँ से कहा, अम्मा क्या मैं बेंगलोर जा सकता हूँ, मैं वहाँ पर मामा रमैया के यहाँ रह सकता हूँ, वहाँ मैं कॉलेज व प्रवेश लूँगा। पर बेटा, तुम्हारे मामा अमीर नहीं है, तुम उन पर बोझ क्यों बनना चाहते हो, उनकी माँ ने ये तर्क दिया। अम्मा, मैं अपनी ज़रूरतों के लिए स्वयं ही कमाऊंगा, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दूंगा, अपनी फ़ीस देने और पुस्तकें खरीदने के लिए मैं काफ़ी धन कमा लूंगा। मेरे ख्याल से मेरे पास कुछ पैसे भी बच जाएंगे, जिन्हें मैं मामा को दे दूंगा, विश्वेश्वरैया ने समझाया। उनके पास हर प्रश्न का उत्तर था। समाधान ढूंढने की क्षमता उनके पूरे जीवन में लगातार विकसित होती रही और इस कारण वह एक व्यावहारिक व्यक्ति बन गए। ये उनके जीवन का सार था और उनका संदेश था, पहले जानो फिर करो। जाओ मेरे पुत्र, भगवान तुम्हारे साथ हैं, उनकी माँ ने ये कहा। उनके मामा ने बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। विश्वेश्वरैया ने उन्हें अपनी योजना बताई। मामा ने प्यार से उन्हें थपथपाते हुए कहा, तुम बहुत होशियार हो, तुम्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। पढ़ने लिखने में बाल्यकाल से ही तीव्र बुद्धि के स्वामी विश्वेश्वरैया ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल से प्राप्त की। विश्वेश्वरैया चिकुल्लापुर के मिडिल और हाई स्कूल में पढ़े। आगे की शिक्षा के लिए उन्हें बेंगलोर जाना पड़ा। आर्थिक संकटों से जूझते हुए उन्होंने अपने रिश्तेदारों और परिचितों के पास रहकर उन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर किसी तरह बड़े प्रयास से अपना अध्ययन जारी रखा। 19 वर्ष की आयु में बेंगलोर के एक कॉलेज में उन्होंने बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इस कॉलेज के प्रिंसिपल, जो एक अंग्रेज थे, विश्वेश्वरैया की योग्यता और गुणों से बहुत प्रभावित थे। उन्हें प्रिंसिपल साहब के प्रयास से उन्हें पूना के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिल गया। अपनी शैक्षिक योग्यता के बल पर उन्होंने छात्रवृत्ति प्राप्त करने के साथ साथ पूरे मुंबई विश्वविद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। अपनी शैक्षिक योग्यता के बल पर उन्होंने छात्रवृत्ति प्राप्त करने के साथ ही मुंबई विश्वविद्यालय में सर्वोच्च अंक उन्होंने हासिल किए। इसी सफलता के आधार पर उन्हें मुंबई में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर भी नियुक्त किया गया। विश्वेश्वरैया को 1894 से 1895 में सिंध, जो कि अब पाकिस्तान में है, के संखर क्षेत्र में पीने के पानी की वितरण परियोजना का कार्य पूरा करने का काम सौंपा गया। उन्होंने इस कार्य को स्वीकार भी कर लिया। वह नगर में पहुंचे और जब उन्होंने सिंधु नदी का सर्वेक्षण और परीक्षण किया तो उन्हें गहरा आघात लगा। पानी गंदला और मिट्टी से भरा हुआ था, जो कि पूर्णतः बेकार था। पानी को कैसे स्वच्छ किया जाए, इसके लिए उन्होंने तकनीकी पत्रों, व्यावसायिक पत्रिकाओं और रसायन की किताबों को पढ़ा। इस समस्या पर चिंतन करते हुए उन्होंने कई रातें जाकर बिताई, फिर समाधान निकल आया। उन्होंने पहले क्यों नहीं इस विकल्प के बारे में सोचा। वे प्रकृति की असीमित प्रक्रिया को समझ गए थे। वे पानी को छानने के लिए नदी की रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने परियोजना की रूपरेखा बनाई, डिजाइन को तैयार किया और कितनी कीमत लगेगी इसका अनुमान भी लगाया। अपने साथ काम करने वालों को उन्होंने योजना के लाभ बताए, उनसे उनके विचार पूछे गए और ये पता लग गया कि वे पूर्णतः सहमत हैं। नदी के तल में एक गहरा कुआं बनाया गया। कुएं तक पहुंचने से पहले पानी रेत की अनगिनत परतों में से गुजरेगा। जैसे ही पानी इस प्रक्रिया से रिसेगा, वह स्वच्छ हो जाएगा। रेत की असंख्य परतों से छनकर निकला हुआ पानी मनुष्य इस्तेमाल के योग्य होगा। अदन, दक्षिणी यमन, जो कि उस समय ब्रिटिश उपनिवेश था, ये के लिए पानी वितरण के लिए भी उन्होंने इसी सिद्धांत को लागू किया। जो इस प्रकार की जो कीमत थी वह कम हो गई। आपको बता दें कि इस नवीन कार्य के लिए सरकार ने विश्वेश्वरैया को जो है वो केसरे हिंद की उपाधि से उनको सम्मानित किया।
दक्षिण भारत के मैसूर को एक विकसित और समृद्धशाली क्षेत्र बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है। तब कृष्णराज सागर बांध, भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स, मैसूर सदन ऑयल एंड सो फैक्ट्री, मैसूर विश्वविद्यालय, बैंक ऑफ मैसूर समेत कई संस्थान उनकी कोशिशों का ही नतीजा है। इन्हें कर्नाटक का भागीरथ भी कहा जाता है। वो 32 साल के थे जब उन्होंने सिंधु नदी से सखर कस्बे को पानी भेजने का प्लान तैयार किया, जो सभी इंजीनियरों को पसंद आया। सरकार ने सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त बनाने के लिए एक समिति बनाई, जिसके तहत उन्होंने एक नया ब्लॉक सिस्टम बनाया। उन्होंने स्टील के दरवाजे बनाए जो बांध से पानी के बहाव को रोकने में मदद करते थे। उनके सिस्टम की तारीफ ब्रिटिश अफसरों ने भी की। विश्वेश्वरैया ने मूसी और एसी नामक दो नदियों के पानी को बांधने के लिए भी प्लान बनाया। इसके बाद उन्हें मैसूर का चीफ इंजीनियर नियुक्त किया गया। वो उद्योग को देश की जान मानते थे, इसलिए उन्होंने पहले से मौजूद उद्योगों जैसे सिल्क, चंदन, मेटल, स्टील आदि को जापान और इटली के विशेषज्ञों की मदद से और अधिक विकसित किया। उन्होंने बैंक ऑफ मैसूर खुलवाया और इससे मिलने वाले पैसे का उपयोग उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए किया। 1918 में वो दीवान पद से सेवानिवृत्त हो गए। उनसे जुड़ा एक और किस्सा काफी मशहूर है। ब्रिटिश भारत में एक रेलगाड़ी जा रही थी जिसमें ज्यादातर अंग्रेज सवार थे। एक डिब्बे में एक भारतीय मुसाफिर गंभीर मुद्रा में बैठा था। सांबले रंग और मंझले कद का वो मुसाफिर सादे कपड़ों में था और वहां बैठे अंग्रेज उसे मूर्ख और अनपढ़ समझकर मजाक उड़ा रहे थे, पर वो किसी पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन अचानक उस व्यक्ति ने उठकर गाड़ी की जंजीर खींच दी। तेज रफ्तार दौड़ती ट्रेन कुछ ही पलों में रुक गई। सभी यात्री चेन खींचने वाले को भला बुरा कहने लगे। थोड़ी देर में गार्ड भी आ गया और सवाल किया, जंजीर किसने खींची? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैंने। वजह पूछी तो उन्होंने बताया, मेरा अंदाजा है कि यहाँ से लगभग कुछ दूरी पर रेल की पटरी उखड़ी हुई है। गार्ड ने पूछा, आपको कैसे पता चला? वो बोले, गाड़ी की स्वाभाविक गति में अंतर आया है और आवाज से मुझे खतरे का आभास हो गया। गार्ड उन्हें लेकर जब कुछ दूर पहुंचा तो देखकर दंग रह गया कि वास्तव में एक जगह से रेल की पटरी के जोड़ खुले हुए हैं और सब नट बोल्ट अलग अलग बिखरे पड़े हैं। दूसरे यात्री भी यहां पहुंचे। जब लोगों को पता चला कि उस व्यक्ति की सूझबूझ के कारण आज उनकी जान बच गई तो उसकी प्रशंसा करने लगे। गार्ड ने पूछा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं एक इंजीनियर हूं और मेरा नाम है डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। नाम सुनकर सब स्तब्ध रह गए। दरअसल उस समय तक देश में डॉक्टर विश्वेश्वरैया की ख्याति फैल चुकी थी। लोग उनसे क्षमा मांगने लगे। डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने का उत्तर था, आप सब ने मुझे जो कुछ भी कहा होगा, मुझे वो बिल्कुल भी याद नहीं है। अपनी शताब्दी पूर्ण करने के बाद भी ये महान पूरी तरह स्वस्थ था। आपको बता दें, इन्होंने अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत से काम किए। सुबह शाम सैर पर जाते थे, सदा समय के पाबंद रहे और उनमें जीने की उत्साह जो था वो सदा बना रहा। वे अपने विचारों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे। जब उन्हें सन 1955 में भारत रत्न प्रदान किया गया तो उन्होंने पंडित नेहरू को लिखा, अगर आप ये सोचते हैं कि इस उपाधि से विभूषित करने से मैं आपकी सरकार की प्रशंसा करूंगा तो आपको निराशा ही होगी। मैं सत्य की तह तक पहुंचने वाला व्यक्ति हूं। नेहरू ने उनकी बात की प्रशंसा की। उन्होंने विश्वेश्वरैया को आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय घटनाओं और विकास पर टिप्पणी करने के लिए वे स्वतंत्र हैं। यह सम्मान उन्हें उनके कार्यों के लिए दिया जा रहा है, इसका मतलब उन्हें चुप कराना नहीं है। 102 वर्ष की आयु में वे काम करते रहे। उन्होंने कहा, जंग लग जाने से बेहतर है काम करते रहना। जब तक वे कार्य करते थे, कर सकते थे, करते रहे। 14 अप्रैल 1962 को उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन वे अपने कार्यों के द्वारा अमर हो गए। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। अगले रविवार सुबह 8 बजे इसी तरह से आपको जानकारी देंगे भारत के किसी अन्य अनमोल रत्न के बारे में। धन्यवाद।